हेलो नमस्कार जहन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रितो 03 ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बीच मैं आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसका जो अभी हाल ही में एग्जाम हो गया है, उसका कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस सब के बारे में ही आपको चर्चा करेंगे एकदम डिटेल्स से। कितना वैकेंसी आई थी, कितना रिजल्ट होगा, कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना स्टूडेंट है कि सेंटर पे पहुँचे थे, स्टूडेंट कितना क्वालिफाई ली करेंगे, ये सब सारी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू अपडेट लेके आऊं या फिर कोई भी न्यू जानकारी लेके आऊं तो आप लोगों के पता चले और आप लोगों को सुविधा हो। चलिए, बिना कोई देर किए हुए मैं आप लोगों को सारी बात बताता हूँ डिटेल से कि मात्र इतना कम रिजल्ट, इतना कम कट ऑफ क्यों आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए मैं सारी बात बताता हूँ। तो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर से री एग्जाम डेट आया। तो री एग्जाम डेट जो आया था 7 तारीख, 11, 18, 21, 25 और 28, जो कि ये सारे अगस्त में लिए गए हैं, जो कि हाल ही में अभी फिलहाल ही आपको इसका पूरी एग्जाम कंप्लीट हुई है 28 तारीख को। ठीक है, अब इसका बात क्या है कि मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या, कितना आप मार्क्स मार के आए हैं, ताकि उसका आपका रिजल्ट बनेगा, आप फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उस सब के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि इसकी जो वैकेंसी आई थी 21,391 पोस्ट। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी आई थी 21,391 पोस्ट। आप लोगों को भी पता होगा कि जो रिजल्ट होता है, तो वैकेंसी जितना आया है उससे 5 गुना है कि आपको रिजल्ट मिलता है। यदि हम 5 गुना करेंगे तो लगभग है कि इसकी जो 5 गुना अगर आप करेंगे 21,391 पोस्ट की, तो 20 × 100 यानी कि 1,00,000, 1,00,000 आपको रिजल्ट होने वाली है, जिसमें से आपका एक सीट होगा कि नहीं। अगर आप उतना मार्क्स बना के आए हैं तो आपका एक सीट आपको अवश्य होगा। उसके बाद फिजिकली में आप अच्छे से फिजिकली कीजिएगा, रनिंग कीजिएगा, हाई जंप कीजिएगा, गोला फेंकिएगा, तो आपका एक सीट कंफर्म होगा। चलिए, और स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप किए थे, वो टोटल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे 17,87,720 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, इसमें से कुछ स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं किया। ठीक है, इसमें से कुछ स्टूडेंट डाउनलोड ही नहीं किए हैं एडमिट कार्ड को। तो डाउनलोड करने वाले की संख्या कितनी है? डाउनलोड करने वाले की संख्या है 14,38,154। ठीक है, मात्र 14,00,000, जो कि जो फॉर्म फिलअप हुआ था 17,00,000, जिसमें से 14,00,000 ही स्टूडेंट है जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, यानी कि 3,00,000 दोस्तों, 3,00,000 है जो आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए हैं, 3,00,000 एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए। ठीक है, चलिए अब सेंटर पे कितने लोग पहुंचे थे, इसमें से भी
आपको जितना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं 14,38,000, इसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सेंटर पे नहीं गए, एग्जाम देने के लिए ही नहीं गए। जो प्रेजेंटिंग लिस्ट आई थी वो 67% आई थी, जो एडमिट कार्ड का डाउनलोड हुआ उसका 67%, लगभग 10 लाख स्टूडेंट है कि सेंटर पे पहुंचा और एग्जाम दिया, ठीक है। मात्र कितना, तो 10 लाख, यानी कि फॉर्म जो फिलअप हुआ था वो आपको 17 लाख, और एग्जाम जो दिया है 10 लाख, यानी कि 7 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा लंबा जाएगी वीडियो, इसलिए लंबा जाएगी कि मैं पूरा डिटेल्स वाइज आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी पता चले कि कट ऑफ इतना कम क्यों होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगी, वो रिजल्ट आपको इसमें से आपको जो एग्जाम में 10 लाख जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें से आपको 1 लाख का लगभग 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट बनने वाला है, 1 लाख यानी का 1/10, ठीक है। 10 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट का है कि रिजल्ट बनने वाला है। तो इस वजह से है कि कंपटीशन में तो बहुत सारी होती है कि आपको कंपटीशन करना पड़ता है, इसमें से 17 लाख फॉर्म भराए थे और अभी जो सेंटर पे पहुंचे हैं मात्र 10 लाख पहुंचे हैं लगभग, ठीक है। तो उसमें से 1 लाख का है, जो 10 लाख में से 1 लाख का आपको रिजल्ट बनने वाला है। तो आपको कितने स्टूडेंट को पीछा करना है, आप 10 में से 1 का रिजल्ट बनेगा, तो 10 लड़के में से 9 को आप पीछा कीजिएगा तो आपका 1 रिजल्ट बनेगा। अगर आपने सही मेहनत किया होगा, सही से आप लोग प्रिपरेशन किए होंगे, तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको संभावित कट ऑफ बताता हूं, जो कि आप लोग इस बीच में हैं तो आपका रिजल्ट 110% बनेगा ही बनेगा। आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए, आप जी तोड़ के मेहनत कीजिए ग्राउंड पे अपना फिजिकल को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल को फिट करने के लिए। अगर आपको जो मैं अभी संभावित कटअप बताने वाला हूं उसमें से आपका आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर से प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी अभी बहुत ज्यादा आने वाली भी है। फिर से हम आपको अब बताने वाले हैं कि संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। चलिए संभावित कट ऑफ आपको बताता हूँ। यूआर जनरल जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप 65 से 70 के बीच में हैं आपका मार्क्स आ रहा है, तो कंफर्म है कि आपका रिजल्ट होगा 110% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। वही हम फीमेल का बात करें तो 52 से 56, ठीक है, 52 से 56 अगर आपका आ रहा है मार्क्स तो आपका रिजल्ट होने वाला है। वही हम ओबीसी का हम बात करें तो 62 से 68 में आपका रिजल्ट कंफर्म होने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 से 56 में आपका होने वाला है रिजल्ट, ठीक है। वही ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 60 से 64, ठीक है, 60 से 64 के बीच में अगर आपका आ रहा है मार्क्स तो आपका रिजल्ट 110% कंफर्म होगा। मैं आपको गारंटी के साथ दावा देता हूँ, मैं जहां तक आपको एनालाइज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, क्या कितना सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, अटेम्प्ट तो लगभग 100 ही कर रहे थे, लेकिन सही क्या जा रहा था वो सारी बात मैंने जानकारी ली है, उसके बाद ही मैं संभावित कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो इतना ज्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस का 60 से 64 वो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए है तो 50 से 55 जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये लगभग ही लगभग और एबीसी ये तीनों का लगभग लगभग ही चलता है, दो चार अंक आगे पीछे होता है। ठीक है, चलिए ईबीसी का हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 54 से 60 में आपका रिजल्ट होने वाला है, वही हम बात करेंगे तो 48 से 52। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगा। एससी का हम बात करें तो 52 से 58 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 44 से 48। ठीक है, एसटी का हम बात करें तो 50 से 56 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 से 46। हालांकि दोस्तों इससे ज्यादा आपको नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही देखते होंगे बहुत सारे का वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको कटअप बता रहे होंगे, संभावित कटअप बता रहे होंगे, तो आप लोग को सारे लोगों से आपको ये चीज तो पता चल रहा होगा कि कटअप क्या रहने वाला है, इससे बेसी नहीं रहेगा। अगर आप इसमें अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया संभावित कटअप, इसमें यदि आप आ रहे हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें यदि आप आ रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए, एकदम जीत तोड़ के ग्राउंड पे मेहनत कीजिए, आपका एक सीट कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, बिहार से, बिहार जिले के जितने भी हैं स्टूडेंट, उसके बारे में ये जानकारी थी, अगर अदर स्टेट के जो भी लड़के लड़कियां एग्जाम देने के लिए आए थे बिहार में, वो सारे लोग जनरल में ही फाइट करेंगे। ठीक है, सारे लोग जनरल में ही फाइट करेंगे, आपका जो रिजल्ट बनेगा ये 65 से 70 जो अदर स्टेट से है। ठीक है, जो अदर स्टेट से है वो आपको 65 से 70 में ही आपको रिजल्ट बनेगा, अगर आप है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। चलिए और एक चीज मैं बता दूं, आप इसमें से मात्र प्लस माइनस 3 नंबर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 3 नंबर आपको प्लस माइनस ले चलिए, इससे आपको ज्यादा कभी नहीं कट अप जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। चलिए, संभावित कट अप हो गया है, अगर कोई भी नोटिस आए, कोई भी जानकारी आए तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, तो इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, अभी उसके बारे में जानकारी चल रही है, पूछ रहे हैं कि जो भी वहाँ से है, जो भी समाहरणालय में है, वहाँ पे जो कि डॉक्टर सरदार पटेल भवन में मेरे एक खास करीबी दोस्त हैं, वहीं पे ड्यूटी करते हैं, तो उन लोगों से कुछ बातचीत चलती रहती है, उन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, तो उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी फिलहाल कोई इसका अपडेट नहीं है। ठीक है, तो मैं ये सब सारी जानकारी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही हमको कुछ भी नोटिस आपको मिले आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना है, धन्यवाद, जय हिंद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आप कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो बिहार पुलिस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, Ritu03Blog ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टाग्राम भी चैनल Ritu03Blog ही है, इस पर आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ क्वेश्चन आप जाके पूछ सकते हैं, मैं हर एक को जवाब देने के लिए ट्राई करता रहूँगा, कोशिश करता हूँ। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।